हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GSSB लैब अटेंडेंट परीक्षा के बारे में, जो कि 2015 को हुई थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 61 to 100 इंग्लिश और हिंदी का पार्ट। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एक ऐसा शब्द जिससे संज्ञा की विशेषता का पता चले। इस तरह के क्वेश्चन देखने में काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली हमारे से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण या फिर नाम विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा करेक्ट रहेगा। और इसी तरह जिस शब्द से हमें क्रिया के होने का पता चले तो उसे हम कहते हैं क्रियापद, और जो शब्द जो हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं नाम विशेषण या फिर विशेषण। क्वेश्चन नंबर 62 है, उसने चित्र देखा, यह है वाक्य डैश में है। तो यहाँ पर चित्र का देखना, चित्र उसने देखा है, लेकिन यहाँ पर हमें समय टाइम गिवन नहीं है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो सामान्य भूतकाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, आसरा। आसरा जो शब्द है इसका हमें तत्सम शब्द बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द होता क्या है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से बिना किसी चेंज के एज इट इज़ ले लिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द। तो आसरा का जो है उसका तत्सम शब्द हुआ आश्रय, ऑप्शन नंबर 1। जो आसरा शब्द है ये तद्भव था, और तद्भव वो शब्द होते हैं जो कि जिनमें कुछ समय या फिर परिस्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ चेंज या फिर बदलाव हो जाता है, वो होते हैं तद्भव। और तत्सम शब्द वो है जो कि संस्कृत भाषा से एज इट इज़ उठा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से सही विन्यास शब्द लिखिए। सही यानी कि जो शब्द बिल्कुल करेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है, विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 65 से 69 है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा को चुनकर लिखें। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हमें किसी के भाव, गुण, दशा आदि के का ज्ञात होता है, तो वह कहलाती है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो जो ये भाववाचक संज्ञा होती है इसका निर्माण जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा से या फिर सर्वनाम से, विशेषण से या फिर अव्यय से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पुरुष से पुरुषत्व, अपना से अपनत्व, दूर से दूरी, वकील से वकीलता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 65 है वकील, तो वकील से क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, वकीलता। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हुई, भाववाचक संज्ञा। 66 है नेता, तो नेता का भाववाचक रूप क्या हुआ? नेता का भाववाचक रूप होता है नेतृत्व। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 है आत्मीय, तो आत्मीय का भाववाचक संज्ञा क्या है? आत्मीय से बनता है आत्मीयता, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है छोटा, तो छोटा जो है इसका भाववाचक संज्ञा हमें बनाना है, तो छोटा से बना हमारा छोटी, छोटे, छोटापन, छोटेपन, तो छोटा से हमारा बना छोटापन। क्वेश्चन नंबर 69 है देना, तो देना से हमारा बनता है देना देन, ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 से 71 है सही समास का चयन कीजिए। तो हमें सही समास बताना है राम राज्य यानी कि राम का राज्य। तो ये द्विगु समास है, द्वंद है, षष्ठी तत्पुरुष समास है या फिर रूपक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है कि षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी कि इसको हम षष्ठी तत्पुरुष समास को हम संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इस तरह की जो संबंध तत्पुरुष होता है या फिर षष्ठी तत्पुरुष होता है, तो इसमें विभक्ति, विभक्ति क्या होती है हमारी, जैसे कि का, के, की, इन सभी विभक्तियों का इसमें लोप हो जाता है। जैसे राम राज्य, तो राम का राज्य, तो इन सभी विभक्तियों का इसमें लोप हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे समास होते हैं वो 6 तरह के होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष जिसे हम षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं या फिर अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास हमारा 6 तरीके का होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है सुख दुख, यानी कि सुख और दुख। तो इसमें कौन सा समास है हमें ये बताना है, द्विगु, द्वंद, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष।
तो इस तरह के समास में हमारा सुख और दुख, क्योंकि विग्रह करने पर यहाँ पर और अथवा या एवं लगता है, तो यह हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या एवं इस तरह के शब्द लगे होते हैं, और अथवा एवं ये शब्द जो हैं इसकी पहचान के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। विजातीय शब्द होता है जो सबसे अलग होता है, तो इनमें सबसे अलग क्या है? गाय, बैल, घोड़ा, सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, गाय, क्योंकि गाय जो है यहाँ पर हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी बैल, घोड़ा, सिंह ये सभी हमारे क्या हैं? पुल्लिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 73 और 74 है, व्याकरण के शुद्ध वाक्य हमें लिखना है। तो व्याकरण का हमें शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें कौन सा है? तो व्याकरण में शुद्ध वाक्य को बताना है, राज दरबार में अश्व योजना का बारे में चर्चा हो रहा था, या फिर ऑप्शन नंबर 2 या 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है हमारा, ज़्यादा फिट बैठ रहा है कि राज दरबार में अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही थी, ये ज़्यादा करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अमृता राय के पिता का नाम प्रेमचंद है। तो इन सभी चारों वाक्य में हमें शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें ज़्यादा करेक्ट है हमारा, अमृता राय के पिता का नाम प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 75 आ रहा है, पतन का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। इनकी पतन का हमें ठीक अपोजिट बताना है कि क्या होता है। विरुद्धार्थक शब्द होते हैं जो इसके ठीक अपोजिट होते हैं, उल्टा। तो पतन का हमारा है उत्थान, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76 से 78 है हमें, इसमें हमें पैराग्राफ के आंसर बताने हैं। मुगलों के सीगढ़ पहाड़ी दुर्ग का शासन उदयभान था, वह किला अजय समझा जाता था, और शिवाजी ने अपने मित्र तानाजी और भाई सूर्यजी के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। भयंकर युद्ध के बाद तानाजी और उदयभानु दोनों मारे गए और किला मराठों के हाथ आ गया। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 76 आ रहा है, सिंहगढ़ का शासक था, तो सिंहगढ़ का शासक कौन था? तो सिंहगढ़ का शासक हमारा कौन था? उदय भानु, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, युद्ध में डैश मारे गए। तो युद्ध में कौन मारे गए थे? तो युद्ध में दोनों मारे गए थे, उदय भानु और तानाजी, और उदय भानु दोनों इसमें मारे गए थे, तानाजी। क्वेश्चन नंबर 78 है, युद्ध के बाद सिंहगढ़ का किला किसके हाथ में आया? तो युद्ध के बाद सिंहगढ़ का जो किला था वो मराठा राज्य के हाथ में आ गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, तहस नहस होना। तहस नहस होना इसका सही अर्थ बताना है, तो तहस नहस होना का सही अर्थ है नष्ट होना। लास्ट क्वेश्चन है, टोपी, टोपी शब्द का बहुवचन लिखिए। तो टोपी शब्द का बहुवचन होता है टोपियाँ, तो टोपियाँ यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 टोपियाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसमें आएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है 81 to 100 हमारे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। 81 to 84 हमें बताना है, फ्रेज गिवन है और हमें एक सेंटेंस में इसका आंसर देना है। तो 81 है, डैश बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू हरीश, कि जो टेबल पर बुक्स है वो किससे बिलोंग करती है? हरीश से। तो बी लोंग, तो यहाँ पर क्या आएगा? वन ऑफ द, ऑल द, नीदर ऑफ या एवरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है, ऑल द। इसके इसका मेन रीज़न यह है कि जो बिलोंग यहाँ पर गिवन है, बी लोंग, ये हमारा प्लूरल होता है, तो प्लूरल की वजह से यहाँ पर हमारा आएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 82 है, द प्रॉब्लम दैट इज़ फेसिंग सम बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट डैश देयर प्रॉफिट, कि जो प्रॉब्लम जो है बिजनेस की वो किस लिए फेस की जा रही है? इस्टेब्लिशमेंट डैश देयर प्रॉफिट, वो उसके प्रॉफिट को इस्टेब्लिश करती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? तो यहाँ पर जो हमें गिवन है द प्रॉब्लम, ये हमारा क्या है? सबसे पहले ये है हमारा सिंगुलर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये सिंगुलर वर्ड है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, थ्रेटन्स, क्योंकि जो सिंगुलर होता है सिंगुलर के साथ हम ऑलवेज क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, द वुमन कैरिंग टू लार्ज कलरफुल बैग्स। एक वुमन है
जिसके पास क्या है, टू कलरफुल बैग्स हैं डैश म्यूजिक के। तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है, टू या थ्री या फोर। तो ऑप्शन नंबर थ्री इसमें करेक्ट हैज़ टॉट द वूमन कैरिंग टू लार्ज कलरफुल बैग हैज़ टॉट म्यूजिक बिकॉज, क्योंकि जहाँ वो यहाँ पे हमें गिवन है द वूमन, तो वूमन जो यहाँ पर है, वूमन जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगता हैज़ लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है हमारा, प्लूरल के साथ लगता है हमारा हैव। तो हमें ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, द तबला एंड द सितार डैश गुड टुगेदर। तबला और सितार एक दूसरे के साथ क्या है, गुड टुगेदर। तो इसमें क्या आएगा, साउंड टुगेदर या साउंड्स या साउंडिंग या फिर इज साउंडिंग। तो ऑप्शन नंबर वन इसमें हमारा करेक्ट होगा बिकॉज द तबला एंड सितार, तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है, तो ये दोनों क्या हैं, मिलकर प्लूरल हैं। तबला एंड सितार यहाँ पर प्लूरल हैं, और प्लूरल के साथ हमें पता है कि हम एस और यस नहीं ले सकते, तो यहाँ पर एस और यस तो नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 to 87 है, चूज़ द वर्ड मोस्ट अपोजिट, हमें अपोजिट बताना है उल्टा। 85 है स्टूपेंडस। स्टूपेंडस क्या होता है, स्टूपेंडस होता है अनोरमस, यानी कि अति विशाल, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है, तो इसके लिए अपोजिट हमें बताना है अनोरमस। तो अनोरमस तो नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका सिमिलर मीनिंग है, एक्सेलेंट नहीं हो सकता। मार्वलस, मार्वलस क्या होता है, ये भी लार्ज होता है, या फिर एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट है, नेगलिजिबल। नेगलिजिबल होता है इनसिग्निफिकेंट, यानी कि कोई चीज़ कम मात्रा में होना। क्वेश्चन नंबर 86 है, इंटीमेट। इंटीमेट होता है किसी चीज़ के बारे में हमें संकेत करना, इशारा करना। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या है, इसका अपोजिट मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर थ्री, कंसील, क्योंकि कंसील होता है किसी चीज़ को छुपाना, टू हाइड। क्वेश्चन नंबर 87 है, जेंटल। जेंटल होता है सभ्य, विनम्र या फिर शिष्ट। तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, रूड, पोलाइट, माइल्ड, मीक। तो ऑप्शन नंबर वन इसमें करेक्ट है, रूड। क्वेश्चन नंबर 88 to 90 हमें बताना है, मोस्ट नियरली मीनिंग बताना है हमें बिटर। तो सबसे पहले बिटर का मीनिंग पता होना चाहिए। बिटर यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, और बिटर का मतलब होता है कड़वा या फिर तीखा। तो ऑप्शन नंबर वन इसके लिए नहीं हो सकता, हराश करना या फिर प्लेजेंट खुशी करना या फिर स्वीट मीठा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर फोर इसमें करेक्ट है हमारा, मिलो। मिलो होता है मेलोडियस से यह शब्द बना है, और यह एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मधुर या फिर सुखद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, हेस्टी। हेस्टी क्या होता है, हेस्टी होता है जल्दबाजी में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर वन स्लो, स्पीडी या फिर लीजरली या फिर मैच्योर्ड क्या आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थ्री इसमें हमारा करेक्ट है, स्पीडी, यानी कि किसी काम को जल्दी में करना, क्योंकि हेस्टी, हेस्टी भी हमारा जल्दबाजी में होता है। तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। 88 में हमारा ऑप्शन नंबर वन रहेगा, क्योंकि हमें इसमें सिमिलर मीनिंग नहीं बताना, हमें इसमें मोस्ट नियरली मीनिंग बताना है बजाय की ऑपोजिट मीनिंग के। और मिलो जो है इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बीटर तीखा है, तो मिलो क्या है, सुखद है या फिर मेलोडिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओब्सक्योर। ओब्सक्योर होता है अनसर्टेन, यानी किसी चीज़ के बारे में अस्पष्ट या फिर अनिश्चित। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर टू इसमें करेक्ट है हमारा, अनसर्टेन, अनिश्चित, अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 91 to 93 हमें अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 91 आ रहा है, आई वुड लाइक डैश अ कार लाइक योर्स, यानी कि हम कोई व्यक्ति जब किसी, ये जो क्वेश्चन है किसी दूसरे व्यक्ति को बोला जा रहा है कि आई वुड लाइक डैश अ कार लाइक योर्स, यानी कि मुझे भी तुम्हारे जैसे कार चाहिए जैसे तुम्हारे पास है। हैव, हैड, टू हैव, विल हैव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री हमारा करेक्ट होगा, यह इन्फिनिटिव है, आई वुड लाइक टू हैव, कि मेरे पास भी एक ऐसी कार होनी चाहिए जैसे तुम्हारे पास है। 92, आई ऑलवेज, तो यहाँ पर ऑलवेज लगा हुआ है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। रीड द न्यूज़पेपर बिफोर डैश वर्क, यानी कि मैं काम करने से पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, न्यूज़पेपर रीड करता हूँ। तो यह डेली होने वाला काम है, हैबिचुअल एक्शन है। तो यहाँ पर ये जिरंट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, 92 का हमारा आंसर आएगा फोर, स्टार्टिंग, यानी कि आई ऑलवेज रीड द न्यूज़पेपर बिफोर स्टार्टिंग वर्क, यानी कि काम शुरू करने से पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 93 है, आई डोंट माइंड डैश हेयर बट आई वुड
प्रेफर टू सिट बाय द विंडो, तो यहाँ पर सिट लगा हुआ है तो सिट तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है सीटिंग। आई डोंट माइंड सिटिंग हियर, कि मुझे यहाँ बैठने में कोई तकलीफ नहीं है, बट आई वुड प्रेफर टू सिट बाय द विंडो, लेकिन मुझे विंडो के पास बैठना ज़्यादा पसंद है, तो ये जेरंट है। 94 है आई यूजली गो टू वर्क बाय कार डैश कार, तो यहाँ पर बाय आएगा क्योंकि यहाँ पर मीन्स बता रखा है कि बाय कार बाय बस, तो ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है वी अराइव्ड डैश द होटल आफ्टर मिडनाइट, तो यहाँ पर प्रेप पोजीशन लगी हुई है अराइव्ड एट होटल, तो यहाँ पर ये प्रेप पोजीशन यूज़ की गई हुई है कि वी अराइव्ड एट द होटल आफ्टर मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर 96 और 97 में हमें एरर बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है, 1, 2, 3, अगर कोई एरर नहीं है तो हमें ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 96 है नो सूनर द बेल रिंग देन देयर वॉज अ स्क्रैम्बल फॉर गेटिंग आउट ऑफ द थिएटर, कि जैसे ही बेल बजती है तो स्क्रैम्बलिंग होता है चिल्लाना, कि थिएटर से बाहर आते ही किस चीज़ की आवाज़ आती है, स्क्रैम्बलिंग की, चिल्लाने की। तो नो सूनर, तो यहाँ पर क्या आएगा, नो सूनर डिड द बेल रिंग आना था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर एरर है। 97 है एट द एंड ऑफ द सेशन, सेशन के एंड में दे फाउंड दैट अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, कि उनके पास मेजोरिटी थी मेंबर्स की, वर सोलिडली बिहाइंड हिम, सोलिडली यहाँ पर होता है एग्रींग विद सपोर्टिंग या फिर समबडी कम्प्लीटली, यानी कि जब कोई किसी को सपोर्ट करता है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर कहीं भी मिस्टेक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट रहेगा हमारा। 98 to 100 हमें एक पैसेज गिवन है जिसके हमें आंसर बताने हैं, तो यहाँ पर हमें ये पैसेज गिवन है, आप ये देख सकते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं 98 to 100, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है इन विच स्टेट इन कुंभकोणम सिचुएटेड, कुंभकोणम जो है स्टेट कहाँ पर सिचुएटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 98 है तो इसका ऑप्शन केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो कुंभकोणम सिचुएटेड है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगर आप लोगों को पैराग्राफ देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है द इवेंट ऑफ द रिलीजियस एंड हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस मेंशन इन द अबव पैराग्राफ इज़, तो हमें इसमें इवेंट बताना है ऑफ रिलीजियस, रिलीजियस होता है धार्मिक रिलेटेड, या फिर हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस मेंशन इन, तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बतानी है क्वेश्चन नंबर 99 में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है या फिर ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, महामक्कम फेस्टिवल। लास्ट क्वेश्चन है 100 ऑन फेब्रुअरी 18 1992 50% लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन द नॉर्थन बैंक ऑफ द महामक्कम टैंक ड्यू टू, तो किस वजह से 18 फरवरी 1992 को 50% जाने चली गई थी, ऐसा किस वजह से हुआ था, फ्लड की वजह से, लैक ऑफ फूड की वजह से, कमर्शियल रियट की वजह से, या फिर सडनली हैड लॉन्ग रश अकर व्हेन अ वॉल कोलैप्स, तो किस वजह से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है हमारा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के 61 to 100 तक। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालकर ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।